بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله As-salātu wa s-salām ala Sayyid al-mursaleen wa khātam al-nabiyyin Abil Qasim Muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللهم كل حجت بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل تسكنوا أرضك طوى وتمتعوا فيها طبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقط قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صلوات فرد محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں مسلسل تہذیب انسان کے عنوان سے گفتگو آپ کی خدمت میں ہو رہی ہے کہ جب تک انسان اپنی تہذیب نہ کرے خود کو مہذب نہ بنائے تعلیم اور تربیت یہ انسان کے لیے ہے حیوان کے لیے نہیں ہے حیوان کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بکریاں ہیں
या बाज भैंसे हैं, आप जितना चारा देते जाएंगे वो खाती जाती हैं। बाज खा खा के उनका पेट फट जाता है, क्योंकि हैवान के पास कैद व बंद नहीं है। लेकिन इंसान वो होता है जो हुदूद इलाही में चलता है। यानी अगर किसी इंसान का उसकी शहवत पे कंट्रोल नहीं है, उसके हिर्स पे कंट्रोल नहीं है, तो वो हुदूद इंसानी से निकल के हुदूद हैवानी में दाखिल हो जाता है। शान इंसान ये था कि इंसान ला महदूद तरबियत पाने की सलाहियत रखता है। तसलसल पहली मजलिस से चलता हुआ आया कि पहले हमने पूछा कि इंसान दुनिया में आया क्यों है। मकसद दुनिया में आने का इबादत, इबादत का मतलब अल्लाह की मारिफत। फिर मासूम ने फरमाया मारिफत कहाँ से मिलेगी, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। फिर सवाल हुआ अगर यहीं से मारिफत होनी है तो इंसान की तारीफ क्या है, तो हमने बताया इंसान कमालात नबाती, कमालात जमादी, कमालात हैवानी रखता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज है जो इन सब के पास नहीं है, वो ये है कि इंसान तरबियत पाने की सलाहियत रखता है। दूसरा, इंसान हमेशा तालिबे कमाल रहता है। जहां इसे कमाल नजर आ जाए ये उसके पीछे दौड़ता है। कंफ्यूजन यहां होता है कि ये जिस शैतान या नफ्स जिस चीज को कमाल दिखाता है इसे, वो हकीकत में कमाल होता नहीं है। अब मुझे कैसे पता चले कि मैं जिस चीज का आशिक हूं वो कमाल है कि नहीं है, तो मासू फरमाते ये देखो वो फना पजीर है कि नहीं है। अगर उसे फना आ रही है वो कमाल नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा बाकी रहे। ये जिस्म जिससे हम मोहब्बत करते हैं, आज 30 का, कल 35 का, फिर 40 का, आखिरी आखिरी आखिर में पोसीदा होता जाता है, तो जिस्म पोसीदा होकर बताता है कि मैं साहिब कमाल नहीं हूं। घर में सेब लेकर आओगे एक हफ्ते में कीड़े पड़ जाएंगे, आम लेकर आओगे 4 दिन के बाद काला हो जाएगा। ये इस दुनिया की हकीकत है। जो भी चीज लेकर आओगे बाय टाइम वो क्या हो जाती है, फरसूदा हो जाती है। इसीलिए बेहतरीन चीजें खाते हो लेकिन खुदा बदबूदार तरीन वज़ईयत में बना के उनको बाहर खारिज करता है। क्यों? अल्लाह चाहता तो कुछ और भी करता, लेकिन वो तुझे बताता है ये जो आज हसीन है इसकी इंतहा बदबू है। आगे नराकी फरमाते हैं दुनिया की कोई ऐसी लज्जत नहीं जिसकी इंतहा निजासत न हो। खाना खाओ इंतहा निजासत, पानी पियो इंतहा निजासत, लज्जत देने का इंतहा निजासत। का फिर तू अजीब आदमी है, ऐसी लज्जतों का आशिक क्यों बनता है जिनकी इंतहा निजासत है। उस चीज के आशिक बनो जिसकी इब्तदा भी नूर है इंतहा भी नूर है। ये इंसान अगर साहिब अक्ल हो तो चीजों को दर्क कर सकता है, समझ सकता है। अब सवाल यह कि मैं अपनी तरबियत कितनी करता हूं। पहले मुझे यह समझना चाहिए ये जो मशीन खुदा ने मुझे दी है, दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड तरीन मशीन अगर है इंसान है। आप कंप्यूटर समझ सकते हो, आप गाड़ी सीख लोगे चलाना, कैमरा सीख लोगे चलाना, साइकिल सीख लोगे चलाना, लेकिन जिस मशीन पे आज तक रिसर्च हो रही है वो किसकी मशीन है, इंसान की मशीन है। सिर्फ आंख पर लोग पीएचडी कर देते हैं। यानी अभी तक सिर्फ निजामे आंख को समझने के लिए दुनिया आज तक रिसर्च कर रही है। 1,60,000 सेल हैं तुम्हारे वजूद में, एक बहुत बड़ी कायनात है तुम्हारे वजूद में। अब सवाल यह है कि इस मशीन को कैसे चलाना है ये मुझे कौन बताएगा, इस मशीन को कैसे हैंडल करना है ये मुझे कौन सिखाएगा। किसी जवान को गाड़ी सीखनी है चला जाएगा, काफी सेंटर हैं जो आपको गाड़ी सिखाना। किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी है वो चला जाएगा किसी आईटी सेंटर में प्रोग्रामिंग सीख। किसी को लैंग्वेज सीखनी है चला जाएगा लैंग्वेज। किसी को डॉक्टर बनना है भाई ये लम्स यूनिवर्सिटी है या फला यूनिवर्सिटी है वहां चले जाओ डॉक्टरी सीख जाएगा। एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, जितने भी दुनिया के सब्जेक्ट हैं आपके लिए कोई ना कोई यूनिवर्सिटी है। लेकिन है कोई दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटी जो मुझे ये बताए इस इंसान की मशीन को कैसे चलाया जाता है।
ये मुझे कौन बताएगा जो इसका क्रिएटर है, जो इसका खालिक है, जो इसकी बारीक बीनियों को जानता है, जो दुनिया के पूरे सिस्टम को जानता है। डॉक्टर्स 25-25 साल पढ़ने के बाद भी ऑपरेशन करते हुए गलतियां कर देते हैं। जनाब गया सीधा दांत निकालने, उसने उल्टा निकाल दिया। कई डॉक्टरों ने ऑपरेशन करते अंदर कैंची छोड़ दी। कितनी ऑपरेशन में गलतियां करते हैं कि हमें समझ नहीं आई, हमने मिस्टेक कर ली। यानी जिस्म का ऑपरेशन करते वक्त भी 25 साल पढ़ने के बाद भी डॉक्टर गलती कर लेता है। तो ये तो सिर्फ जिस्म नहीं है, जिस्म और रूह का मजमुआ है। कौन मुझे समझाएगा कि इस बदन को किस तरह यूज करना है, रूह को किस तरह हैंडल करना है। अब मौला अली निशानी बताते हैं। अहलबैत फरमाते बा ईमान शख्स की निशानी यह है कि बा ईमान बंदा हमेशा खुश रहता है। अगर मैं दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूं और उस नमाज पढ़ने के बाद भी डिप्रेशन और परेशानी का शिकार हूं, इसका मतलब इस नमाज ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। का मोमिन असल की तरह, फारसी में कहते हैं कंद की तरह, उर्दू में बोले चलो गुड़ की तरह मीठा होता है। मोमिन शहद की तरह मीठा होता है। मतलब ये अंदर से खुश होगा तो अगले को खुशी देगा ना, खुद रिलैक्स होगा तो अगले को रिलैक्स कर पाएगा ना। दूसरा फरमान मोमिन कभी जूद रंज नहीं होता, मतलब बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आता, बात बात पे नाराज नहीं होता, बात बात पे चिढ़ता नहीं है। ये निशानियां हैं अदम ईमान की, ये निशानियां हैं कि तुम्हारी रूह तुझसे राजी नहीं है, कि तुझे बहुत छोटी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं और बहुत जल्दी तू नाराज हो जाता है। नहीं, मोमिन हमेशा सुकून में होता है। ये कैसे मुमकिन है कोई दिन में 5 वक्त अपने आशिक से मिले फिर भी उसे सुकून मिले? ये नाराज तब रहता है जब ये मुसल्ले से दूर होता है, ये गमगीन तब होता है जब ये कुरान से दूर होता है, ये गमगीन तब होता है जब ये जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद से दूर होता है। आप क्या समझते हैं सिर्फ ये लज्जतें दुनिया वालों के लिए, सिर्फ उनके लिए मैकदा है, उनके लिए शराब है, उनके लिए अय्याशी है? अल्लाह वालों की भी अय्याशी है। अल्लाह वाले ऐश करते हैं जब दुआए कुमैल पढ़ते हैं। इनकी अय्याशी का वक्त वक्त सहर होता है जब ये अपने रब से हम कलाम होते हैं। और इनकी जो लज्जत है उसको अगर वो महसूस कर दें, क्यों उरफा की शायरी में आपको लफ्ज मैं कदा मिलता है? मैं सिर्फ मैं वो जाम नहीं है जो वो पी जाती है, ये जाम इश्क है जो खुदा का पिया जाता है। उसमें बंदा गैर आकिलाना काम करता है लेकिन इश्क खुदा में बंदा अपनी जान को कुर्बान करता है। तो अब इस मशीन को चलाने के लिए किसी ऐसे का होना जरूरी है जो कंप्लीटली इस मशीन की जानकारी रखता हो। अब एक अकलाना सवाल करूं फिर एक हदीस आपकी खिदमत बयान करूं। सलवात पढ़े मोहम्मद। आज तक हुआ है कि कोई जवान हो जिसके सर पे बाल ना हो, गंजा हो बेचारा, और कहे कि मौलाना साहब मुझे बाल लगवाने हैं, कोई डॉक्टर बताइए, तो मैं आपको ले जाऊं किसी, कहूं एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसकी दवाई बड़ी जबरदस्त है, 6 महीने खाओगे सर पे बाल निकल आएंगे। अच्छा मौलाना साहब चलिए मुझे लेकर चलिए। मैं आपको ले गया और जैसे डॉक्टर के पास पहुंचे आपने देखा कि डॉक्टर खुद गंजा है। आपने कहा मौलाना साहब इतनी बाअसर दवा है तो इसके बाल कहां गए? ये आपको किसने? मैंने बताया, अंदर से आवाज आई ना, जो अपना इलाज नहीं कर सकता वो मेरा इलाज कैसे करेगा? ये सवाल है। आपकी कमर में दर्द हुआ, कहा मौलाना साहब कमर में बड़ा दर्द है लेकर चलिए। वो कोई आपको लेकर गया और जैसे उस हड्डियों के डॉक्टर के पास पहुंचे वो खुद कमर पे पट्टा बांध के कुर्सी पे बैठा हुआ है, उठा नहीं जा रहा उससे। तो आपने कहा जो अपनी कमर ना बना सके वो मेरी कमर क्या बनाएगा? ये उसूल कुल्ली है।
किसी को कहा चले आपकी आंखें बनाते हैं, बड़ा हकीम है, ऐसी दवा देता है कि ऐनक वैनक चश्मा वश्मा सब खत्म, पहले दिन की तरह आपकी आंखें काम करेंगी। जैसे आप पहुंचे और डॉक्टर ने कोई 10 नंबर का चश्मा लगाया हुआ है, तो कभी ऐसे डॉक्टर को दिखाओगे जिसने अपना इलाज नहीं किया? कभी ऐसे हकीम के पास जाओगे, ऐसे सन्यासी के पास जाओगे जो अपना इलाज न कर सके, वो तेरा इलाज कैसे करेगा? तो जब तू जिस्म के लिए किसी ऐसे डॉक्टर को तलाश करता है जिसने पहले अपना इलाज किया हो, तो जिस्मों के डॉक्टर तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सवाल यह है जब मेरी रूह बीमार हो जाए तो मैं रूह की बीमारी के लिए किस डॉक्टर को तलाश करूंगा? अब जिस्म की बीमारी है, बंदे को शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, बीपी का हाई होना, बीपी का लो होना, अटैक का होना, ये सारी बीमारियां किसकी हैं? जिस्म की बीमारी है। रूह की बीमारी क्या है? झूठ बोलना, शिर्क करना, यतीमों का माल खाना, गीबत करना, बुत परस्ती करना, शराब का पीना, जिना का करना, ये सारी बीमारियां किसकी हैं? जिस्म की हैं। तो रूह की बीमारियां हैं। अब अगर मुझे रूह का कोई डॉक्टर ढूंढना है तो कोई ऐसा डॉक्टर ढूंढना होगा जिसने जिंदगी में कभी बुत परस्ती न की हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या अब कोई मुझे बोले कि अमीर शाम को डॉक्टर बना दो अपनी रूह का, जरा तू होश के नाखून तो ले। रूह की बीमारियां क्या हैं? झूठ, फरेब, धोखा दही, शराब का पीना, नशे का करना। तो रूह की जिस तरह जिस्म की बीमारी के लिए तू ऐसा डॉक्टर ढूंढता है जो बीमारी का इलाज करना भी जानता हो और खुद उस बीमारी में मुब्तला भी न हो, तभी वो बहुत अच्छा डॉक्टर होगा कि उसकी दवा उसके ऊपर भी असर करे। तो रूह की ये जितनी बीमारियां हैं जिन्हें सिफात रजीला बोला जाता है, उसके लिए भी कोई ऐसा डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसने कभी बुतों को सजदा न किया हो, जिसने जिंदगी में झूठ न बोला हो, जिसने कभी अल्लाह का हक न मारा हो। तो पूरी दुनिया ढूंढ के थक जाओगे, तुझे कभी ऐसे रूह के डॉक्टर नहीं मिलेंगे। परवरदिगार मुझे ऐसे डॉक्टर चाहिए, मैं जाऊं तो किसके दर पे जाऊं? तो अल्लाह की आवाज आती है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अनकुम रिज्सल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अगर ऐसे डॉक्टर चाहिए तो दरे अली और दरे फातिमा पे आ जा। हैदरी दुनिया ढूंढ ढूंढ कर भी अहले बैत की जिंदगी से छोटे से छोटा गुनाह ढूंढ न सकी। आप क्या समझते हैं 500 सालों तक 5 सेंचुरी बनु उमय्या और बनु अब्बास में हुकूमतें की, अगर ये ढूंढ सकते तो अहले बैत की जिंदगी से कोई चीज ढूंढ के लाते। तभी फरमाया किसी ऐसे का होना जरूरी है जो मासूम हो। मिसाल के तौर पे अल्लाह का सबसे पहला हादी कौन है? हजरते पता है कि नहीं? हजरते शक है लोगों को कि आदम है कि नहीं, मतलब अभी तक हमारा इल्म यकीन में बदला नहीं है। अब डरते हैं पता नहीं मौलाना किसी और का नाम ले लें, वो ही लेगा जो पहला आया है, कोई और नाम तो मैं भी नहीं लूंगा। सबसे पहला आदि कौन है? हजरत आदम। अब अल्लाह का बेचारा नबी दुनिया में जैसे आया, न घर था, न गाड़ी थी, न खेती थी, कुछ भी नहीं। ये नहीं कि अल्लाह ने उसके लिए 5-स्टार होटल बनाया हो कि आदम जाओ बेस्ट होटल तुम्हारे लिए बना दिया है, स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है, बावर्ची भी है, खादिम भी है, सब जाओ बस तैयारी करके हिदायत करो। कोई इंसान था ही नहीं, खिदमत कौन करता आदम की? खुद हजरत आदम आए, बेचारे ने अपने हाथों से घर बनाया, अपने हाथों से खेती बाड़ी की, सब कुछ खुद किया। तो सवाल है, मैं खुदा को बोलूंगा, खुदाया इतनी जहमत दे रहा है अपने नबी को, हमारे कराची में कोई वजीर आजम साहब आ जाएं, रोडों की सफाई हो जाती है, कचरा उठ जाता है, हाँ दिन रात मेहनत करके रोड साफ हो जाता है। परवरदिगारा ये दुनिया के वजीर आजम MP MLA आते हैं तो गलियां साफ हो जाती हैं। ये तेरा नबी है, आदम है, तो
तू पहले हमें भेज देता, हम सफाई सुथराई कर देते, रोटी वोटी बना देते, घर वर तैयार कर देते, ताकि तेरे नबी को जहमत उठानी न पड़ती। सुनेंगे कयामत के दिन अगर अल्लाह से सवाल करोगे तो खुदा के जवाब क्या आएगी? अल्लाह का जवाब आएगा, अए मेरे बंदे, मुझे ये बर्दाश्त है कि आदम जहमत उठाए, मेरा नबी इन पत्थरों पे चले, उसके पांव से खून बहे, मैं इसे बर्दाश्त करूंगा। लेकिन अगर मैं तुझे आदम से पहले भेज देता और अगर तू कोई गलती करता और मैं तुझे कहता तूने खता क्यों की, तू ये कहता खुदाया कोई नबी नहीं था। या कोई हादी नहीं था मुझे हिदायत देने वाला। आवाज को थोड़ा बढ़ा दें, कोई हादी नहीं था मुझे हिदायत देने वाला। तो कहा मैं ये तो बर्दाश्त करूंगा मेरा भेजा हुआ हादी तकलीफ उठाए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूंगा तू बगैर हिदायत के रहे। हुसैन को तकलीफ में डाल रहे हैं ताकि तू हिदायत पा सके। करबला न होती आज ये मजलिस न होती। अल्लाह को पता था एक के बाद एक इमाम को शहीद कर दिया जाएगा और बहुत तूलानी गैबत कुबरा होने वाली है। अब जब गैबत कुबरा इतनी तूलानी हो जाए और आपका अपने इमाम के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है तो मेरी रूह को हिदायत कौन देगा? मैं किसके पास जाऊं हिदायत लेने? अल्लाह को पता था मुआशरा इतना बिगड़ जाएगा, एक तरफ टीवी, एक तरफ फिल्म, एक तरफ मीडिया, एक तरफ सोशल मीडिया, ये सब लोगों को गुमराह करने पर लगे होंगे। तो इसकी हिदायत का बंदोबस्त करना है ना। तभी करबला में जैनब को बुलाया गया। अगर आशूरा ना होती, करबला ना होती, ये मजलिस इमाम हुसैन ना होती, ये हरारतुन फी कुलूबिल मुमिनीन न होती। आज तुम्हारे दिलों में हरारत है, ये रब ने हिदायत का बंदोबस्त किया है। कहा हुसैन अगर तकलीफ उठाए ये मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कयामत के दिन आकर तू ये कहे कि खुदाया कोई हादी नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। कल कयामत में अगर कोई जवान कहेगा ना कोई हादी नहीं था, खुदा कभी हुसैन को लाएगा, कभी अली को लाके खड़ा कर देगा। ये तो थे मेरे हादी, ये तो थे तुझे बताने वाले, लेकिन तूने बातों पे अमल क्यों नहीं किया था? तो खुदा नबियों की तकलीफों को बर्दाश्त करता है, लेकिन ये सुनना बर्दाश्त नहीं करता कोई बंदा ये कहे कि खुदाया मुझे कोई हिदायत देने वाला नहीं था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो नतीजतन हम यहां तक पहुंचे कि हमारे रूह को वो ही हिदायत दे सकता है जो इस रूह का इल्म रखता हो, और कोई नहीं दे सकता। कोई मेडिटेशन करने वाला, कोई मोटिवेटर स्पीकर हो, वो नहीं जानता, क्योंकि वो खुद अपनी रूह को नहीं पहचानता, वो खुद अपने पावर्स को नहीं जानता। एक अल्लाह जानता है कि इंसान क्या है, दूसरा उसका नबी, और नबी के बाद कौन? अली इब्ने अबी तालिब। ये भी हम नहीं कह रहे, हदीस रसूल है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा। मैंने एक नुक्ता अंचोली मारगा में दिया था, इससे रिलेटेड है टॉपिक से, तभी दे रहा हूं। और ये समझे मेरा हदिया है आप सबको कि आज के जमाने में वाकई इतने एतराजात आ गए शियों पे कि नस्लें परेशान हैं कि एक तरफ मौलवी का क्लिप सुनता है नौजवान, अब सोशल मीडिया है ना, दूसरी तरफ किसी मुफ्ती का सुन लेता है, फिर फौरन हमें फॉरवर्ड करते मौलाना ये एतराज कर रहे हैं मसलन मातम पे, इस पे, इस पे, इस पे, इसका जवाब क्या है? एक तो आज का जवान जहमत पसंद नहीं है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सुभानी की किताब है आईने वहाबियत, इसको खरीदिए, पढ़ लीजिए। दुश्मन के अक्सर आपके ऊपर शुभात कौन से होते हैं? गिने चुने शुभात हैं। मातम कुरान से साबित करो, जोजना कुरान से साबित करो, हाँ यही तो होते हैं ना, या अली मदद साबित करो, काले कपड़े क्यों पहनते हो, मजलिस क्यों करते हो, मरसिया क्यों करते हो, यानी मतलब जो जो आप करोगे बोलेगा कुरान से साबित करो, जैसे वो खुद जो जो करता है वो सारा कुरान में, कि जो जो करते हो वो कुरान से साबित करो। अब ये जो मैंने कहा ना कि अल्लाह ने हमारी हिदायत का बंदोबस्त किसके हाथ में दिया है? अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हादी रसूल के बाद 12 हैं। अब वो कहते हैं नहीं, रसूल के बाद जितने भी बचे ना सब के सब हादी हैं। सुभान अल्लाह।
सब के सब क्या हैं? हदी हैं। मतलब अमीर शाम के लश्कर में भी जो था वो भी सुभान अल्लाह, अली के लश्कर में भी था वो भी सुभान अल्लाह, सारे जन्नत में एक खिचड़ी बनाई हुई है मुसलमानों ने। अब कैसे मुमकिन है अल्लाह इतनी बड़ी मशीन बनाए और इतने वायरस छोड़ दे, एंटीवायरस भी ना दे हमें। अब आज का बेचारा जवान तो परेशान है ना, ये लिटरली एक अहले सुन्नत के जवान है। जहर हम सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं तो कई लोग मिलते हैं, तो पूछा आप किस मकतब से, हमने कहा हम अल्हम्दुलिल्लाह शिया हैं, आप किस मकतब से, कहा अभी तक कंफ्यूज हूं। मैंने कहा क्या मतलब कंफ्यूज हो, कहा इतना आप मौलवी डराते हो, जहन्नुम जन्नत ये ना करो वो ना करो, ये होगा ये अजाब होगा वो होगा वो अजाब होगा, ये करोगे जहन्नुम में चले जाओगे। मैंने कहा तो मसला क्या है, तो कहने लगा जब हम आप लोगों को टीवी पे देखते हैं ना, अब कमाल ये किया टीवी वालों ने 7-8 मौलवी बुला दिए, शिया सुन्नी, सुन्नी में भी फिर कई बरेलवी को बुलाते हैं, इमाम हनीफा वाले अहले हदीस को बुला देते हैं, बिठा देते हैं, एक दो और फिरकों के भी जो है नक्शबंदी फिरके का वो भी बिठा दिया। अब शिया अब सारे एक दूसरे को गलत समझते हैं। अब जो टीवी पर बेचारा सादा मुसलमान देख रहा है उसे नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, वो सिर्फ जानता है कलमा पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, हज करना है, जकात देनी है। अब पहले उनको नहीं पता था कि इनके दरमियान मसला क्या है, दूर दूर से सुनते थे। अब एक सवाल आता है टेलीफोन से, भाई ये चीज जायज है नाजायज है, चारों मौलवी आपस में लड़ने लगते हैं। तो वो कहने लगा कि मौलाना इतना पढ़ने के बाद जब इनको नहीं पता हक क्या है तो हमारे अल्लाह क्या पूछेगा हमसे, जब इतनी किताबें पढ़ने के बाद सारे मुफ्ती वही किताबें लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। दूसरा कहा कि मौलवी साहब हमें सख्त मना किया जाता है मुशाजरात सहाबा ना पढ़ा करो, जंगे सिफीन हुई एक तरफ नबी का सहाबी दूसरी तरफ भी नबी का सहाबी, दोनों लड़े कई सौ लोग उसमें मर गए बेचारे, दूसरी जंग हुई एक तरफ नबी की जोजा दूसरी तरफ नबी का दामाद, जंग हुई कई सौ लोग वहां पर भी मर गए। जब हम पूछते हैं मरने वालों का क्या होगा, कहा दोनों जन्नत में चले जाएंगे। कहा मौलवी साहब इतने बड़े बड़े गुनाह करने के बाद भी वो जन्नत में जाएंगे, आप मुझे क्यों डराते हो, अल्लाह मेरे छोटे गुनाहों का क्या करेगा, मैंने किसी का खून तो नहीं किया, मैंने किसी का कत्ल तो नहीं किया, मैंने इतना बड़ा फसाद खड़ा तो नहीं किया। फिर जब वो सारे चले जाएंगे तो अल्लाह अरहम और रहीमीन है, मतलब हमने खुद अपने हाथों से एक रास्ता खोल दिया सबके लिए कि जो जिंदगी में करना है करो, ये नामुमकिन है। ये सारा इल्जाम किस पे जाता है, रियाज़ बिल्लाह अल्लाह पे जाएगा, कि खुदा तूने मुझे पैदा किया एक ऐसी सोसाइटी में जो खुद कंफ्यूज है, और ये कैसा दीन तू मुझे देकर गया है कि जो किताब उठाओ जिस मौलवी के पास जाओ जिस आलिम के पास जाओ इसने उस पर फतवा दिया उसने उस पर फतवा दिया। शियों को यहूदियों ने मारा क्या, मुसलमानों ने मारा, मुस्लिम मुस्लिम का कत्ल करता है। हमें सबसे ज्यादा मुसलमानों ने एक दूसरे के बीच में झगड़े बपा किए। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह इंसान को विदाउट प्लान छोड़े, ये अबस है, फिर खिलकत का मकसद अबस है, ये हो नहीं सकता। तो मौलाना साहब क्या करें, मैंने कहा कौन सी किताब है जिस पर 100% हर मुसलमान का ईमान है, नाम पता है कुरान है। मैंने कहा इस कुरान की कौन सी सूरत है जिसको पढ़ना दिन में कई मर्तबा वाजिब है, कौन सी सूरत है, सूरह अल-हम्द। क्यों वाजिब है कभी सोचा, सुबह सूरह हम्द, दूसरी रकत में सूरह हम्द, जोहर की 4 रकतों में सूरह हम्द, मगरिब की 2 रकतों में सूरह हम्द, ईशा की 2 रकतों में सूरह हम्द, है क्या इस हम्द में। मासूमीन फरमाते हैं तुम्हारी जिंदगी का पूरा रोड मैप है इसमें, पूरा नक्शा दिया हुआ है परवरदिगार आलम ने सूरह हम्द में।
इतना प्यारा नक्शा, यहां से अहले बैत भी निकलते हैं, यहां से मदद भी निकलती, सब कुछ है सूरह हम में। मैं आपको तफसीर बता देता हूं सिंपल सी। किसी भी मुस्लिम भाई को पकड़िए, बिठाइए, न हदीस की किताब खोलने की जरूरत है, न रिवायत में जाने की जरूरत है, इसी सूरह हम्द में सब कुछ साबित हो जाएगा। इशू यह है कि हम पढ़ते नहीं है ना, क्यों हम किसी हदीस की तरफ जाएं? जब बात समझ में ना आए, मसलन कहा अकीमुस्सला, पता चल गया नमाज कायम करनी, अब कैसे करनी है ये हम फिर हदीस में जाएंगे। लेकिन सूरह हम्द में इतनी वजाहत है परवरदिगार आलम की तरफ से कि पूरा कुरान तुझे तब समझ में आएगा जब तुझे सूरह हम्द समझ में आएगी, तब तक पूरा कुरान भी तो समझ में नहीं आएगा। बड़ा आसान है अपनी जिंदगी के हदफ को समझना, लेकिन इशू यह है कि हम इसके बजाय कि थोड़ी जहमत खुद करें, हमने सारा बर्डन मुफ्ती मौलवी मुल्ला जाकिर पे डाल दिया, जैसे दीन उतरा ही मौलवियों के लिए था, कुरान सबके लिए। घर उठो, कुरान उठाओ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गौर, सिर्फ तर्जुमा पढ़ो, फिर आयत पे गौर करो, फिर थोड़ा फिक्र करो, अल्लाह खुद तुझे क्या देगा, हिदायत देगा। इसी तरह सूरह बकरा में चले जाएं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रईब फी हुदन लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं, और हिदायत देती है किन को, जो साहिब तकवा है। मतलब मेरे अंदर तकवा नहीं, कुरान मेरे लिए हिदायत नहीं है। इसी तकवा को पैदा करने के लिए हुसैन करबला के मैदान में गए, इसी तकवा को बांटने के लिए हुसैन करबला में गए। बेहया कभी हुसैन ही नहीं बन सकता। किसके सामने हया? अल्लाह के सामने हया। जो खुदा का हया न करे, बंदों का हया करे, ऐसे बंदे का फायदा नहीं है। खरज तोले इस्लाह उम्मत जद्दी का सकीना, तुझे तमाचे लगते हैं तो लग जाए, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए। देखिए, जब जिस्म डेड हो जाता है ना, डॉक्टर उम्मीद तोड़ लेता है कि बंदा मर गया, तो उसे 400 वोल्ट का शॉक लगाता है। उलमा फरमाते हैं रसूल के जाने के बाद 50-60 साल के अरसे में उम्मत रसूल मर चुकी थी, इसको जिंदा करने के लिए करबला का शॉक देना जरूरी था। कि आज का जाहिल गाफिल मुसलमान भी ये नहीं सोचता, 60 साल में ऐसा क्या हुआ कि जिस मुसलमान ने कलमा पढ़ा था वो नबी के नवासे के सीने पे सवार होके उसके गले को काट रहा था, नबी की नवासियों को बाजारों में ले जा रहा है, जो हम शक्ल पैगंबर है उसके गले को काटा जा रहा है। 6 महीने के बच्चे का गला काटा गया। एक मौलाना कहते हैं, मैं एक गाड़ी में सवार था एक सिख के साथ, उसने कहा आप शिया बड़े जुलूस निकालते हो, मुझे बताओ हुआ क्या था करबला में। कहता मैंने शुरू किया जनाब कासिम की शहादत बताई, कर रोया, अकबर की शहादत बताई, बहुत रोया, अब्बास के बाजुओं का जिक्र किया, रोया। कहता जैसे मैंने अली असगर का जिक्र शुरू किया ना, सिख था कहा चुप हो जाओ, अगर ज्यादा बताओगे मुझे डर है कहीं मेरा दिल फट ना जाए। ये मेरे छठे इमाम का फरमान है कि हमने अपने शियों के दिलों पे 40 पर्दे सवार किए हैं। का मौला क्यों? का अगर ये पर्दे हट जाएं ये शिया मसाइब सुन के मर जाएं। हमने इनके कुलूब में बर्दाश्त दिए ताकि ये मसाइब को बर्दाश्त कर सके। आज हुसैन के अली असगर के मसाइब पढ़ना चाहता हूं। दुआ है खुदा किसी मां की गोद न उजाड़े। जो साहिब औलाद हैं, दो अहल बैत की नसीहतें हैं, जिनकी 4-5 साल बच्चियां हैं ना, वो कभी अपनी बेटियों को तमाचे न मारा करें।
بالاخص فرمایا جن بیٹیوں کا نام سکینہ اور فاطمہ ہے. دوسری علماء فرماتے ان دنوں میں جن کے بچے 6 مہینے کے ہیں 8 مہینے کے ہیں, گھر جب جاؤ تو اپنے بچے کے گلے کو بوسا دیا کرو. کیونکہ جب بچے کے گلے کو بوسا دو گے نا پھر محسوس کرو گے حسین پہ کیا گزری ہوگی. پھر کہا کرو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. خدا جانتا ہے امام زمانہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں, سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت میں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین سب مل کے وعلی حسین کی صدا گونجنی چاہیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین صحابہ. اللہ آپ سب کو ننی سی قبر علی اصغر کی زیارت نصیب کرے. میں نے یہ جملہ کہا آپ سب نے سنا, ایک زائر کربلا گیا ہر قبر کی زیارت کے, ہر زائر سے پوچھنے لگا مجھے بتا علی اصغر کی قبر کہاں ہے. سب نے کہا ہمیں نہیں پتا. آیت اللہ کشمیری کے پاس گیا کہنے لگا قبلہ میں نے سنا ہے حسین خیموں کے پیچھے اپنے ننے سے بچے کو دفن کیا تھا, لیکن مجھے کوئی نہیں بتاتا علی اصغر کی قبر کہاں ہے. آغا کشمیری نے کہا مجھے بھی نہیں پتا, مجھے 2-3 دن کا وقت دے میں کتابیں پڑھوں شاید مجھے پتا لگ جائے. آغا کشمیری کہتے میں نے ساری تاریخ کی کتابیں چھان ماری لیکن کہیں پہ ذکر نہیں تھا علی اصغر کی قبر کہاں. تہجد کا وقت تھا کہتے ہیں میں نے مصلی بچھایا امام حسین سے توسل کیا, میں نے کہا مولا آپ کے عزادار علی اصغر کا پوچھتے ہیں مجھے بتائیے میں کیا جواب دوں. رو رو کے کشمیری کو نیند آ گئی, خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا کشمیری میرے عزاداروں کو بتا دے آج کے بعد میرے علی اصغر کی قبر تلاش نہ کر. کہ مولا کیوں
क्या आपके बच्चे की खबर नहीं है? कहा मेरे आजादारों को बता दो, जिसने अली असगर की जियारत करनी है वो हुसैन की कब्र की जियारत कर ले। कहा मौला अली असगर कहा है? कहा सज्जाद ने मेरे असगर को मेरे सीने पे सुलाया था। अगर बुरा ना मानो एक जुमला कहूँ, कहा सज्जाद ने अली असगर को मेरे सीने पे सुलाया था। मैं कहूँगा अली असगर बड़े खुश नसीब हो के बाबा के सीने पे सोए एक ननी सी बच्ची थी जो बाबा के सीने पे ओ सोने की यादी थी। वो जिंदा ने शाम में बाबा बाबा करके मर गए। आए खुदा तुझे नन्हे से बाबुल हवाइज गवाज, हुसैन ने आवाज बुलंद की हल में नासरे नियल सुरना है। कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला है, कोई मुझ प्यासे की मदद करने वाला। अकबर जिंदा न रहे, कासिम जिंदा न रहे, अब्बास जिंदा न रहे, आवाज खैमे में झूले में एक बच्चे ने सुनी। बीबी रुबाब कहती है असगर ने तड़पना शुरू किया। खुद को झूले से जमीन पे गिरा। रुबाब ने कहा मौला हुसैन मेरे बच्चे को चैन नहीं आता। जैसे खैमे में आए अली असगर को हुसैन ने हाथों पे उठाया। अब तसव्वुर करके रोना, अरब में रस्म थी छोटे बच्चों को सफेद कपड़े में लिपटा जाता था। हुसैन ने कहा रुबाब सफेद कपड़ा ला कर दे। अपने हाथों से असगर को लिपटना शुरू किया। ऐसे लिपट रहे थे जैसे बच्चे को कफन पहना रहे हो। अबा के दामन के नीचे अली असगर को छुपा। रिवा रावी कहता है हुसैन ने अबा क्यों ऊपर डाल। रो के कहने लगे करबला में बड़ी गर्मी थी, मेरे असगर की खाल बड़ी नरम थी। अबा के दामन के नीचे छुपा। फौज अश्किया ने समझा हुसैन कुरान लाए। फरमाया फौज यजीद अगर तेरी दुश्मनी है तो हुसैन से है, मेरे 6 महीने के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़। एक मलून ने कहा हुसैन प्यास तुझे लगी है, बहाना बच्चे का बना रहे हो। इमाम ने अली असगर को हाथों पे उठाया। कहा अली असगर हुज्जत खुदा हो, हुज्जत तमाम करो, बच्चे ने खुश्क ज़बान निकाले। फौज यजीद मुंह छुपा के रोने लगे। इब्ने साद ने कहा हुरमला एकता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कदा करो।
मलूम ने तीरों कमा उठाया, तीर मारना चाहा, हाथ लर्ज़े तीर गिर गया। दोबारा तीर उठाया, हाथ लर्ज़े तीर गिरा। इब्ने ज़ाद ने कहा, हुरमला क्या हुसैन से डरते हो या अली असगर से डरे हो? कहा हुसैन से नहीं डरा, अली असगर से नहीं डरा, लेकिन जब तीर चलाना चाहता हूँ एक काले बुर्के में बीबी सर पे कुरान कहती है, हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। वो जुल्म हुआ जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलते। मलू ने कहा, हुरमला तेरी आंखों पे पट्टी मांगता हूँ, तू निशाना ले। लई ने निशाना लिया, पट्टी बांधी। मेरे मौला फरमाते, अरबों के पास दो तरह के तीर होते थे, एक इंसानों को गिराने के लिए, दूसरा घोड़ों को गिराने के लिए। मलू ने वो तीर उठाया जिसका वजन असगर के वजन से ज्यादा था, यहाँ तीर कमान से निकला, यहाँ नन्ही गर्दन लश्कर यजीद का सिपाही कहता है, मैंने क्या देखा, हुसैन ने खंजर निकाला जिस कपड़े में अली असगर लिपटा था। हुसैन ने कपड़ा फाड़ना शुरू किया। इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला मौला हुसैन ने कपड़ा क्यों फाड़ा था? फरमाया, बाबा ने कपड़ा फाड़ा ताकि बच्चे को तड़पने में आसानी हो। अली असगर के हाथ बंधे थे। अल्लाह जाने मेरे मौला पे क्या गुजरे। कई मर्तबा खेमे में जाने की कोशिश की, लेकिन बार बार ये सोच के रुक गए, माँ बच्चे को कैसे देखेंगे। खेमे के दर से आवाज दी, ओ बहन ज़ैनब। बीबी ज़ैनब फरमाती, मैंने समझाया, अली असगर ने पानी पी लिया, क्योंकि जब हुसैन गए थे बच्चा रो रहा था, जब हुसैन वापस आए मुझे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने समझा बच्चे ने पानी पी लिया, लेकिन सुनोगे ज़ैनब ने क्या मंजर देखा। फरमाती है, जैसे मैं हुसैन के पास आई मैंने क्या देखा, दो नन्हे से कदम जो खून से रंगीन है, हुसैन के रुख सारों असगर का खून है। कब बहन ज़ैनब किसी शहीद का लाशा हुसैन मौला ने दफन नहीं किया। अली असगर वाहिद शहीद है जिसके लाशे को दफन किया। कहा मेरे बच्चे का बदन बड़ा नरम है, घोड़ों की टापों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लेकिन हाय
हसरत हुसैन, हाय हसरत हुसैन। जब 11 मुहर्रम का दिन आया, हुरमलाने का मेरा सर कहा, बीबियों के पास रुबाब से पूछा, बता हुसैन ने तेरे बच्चे को कहाँ दफन किया था। माँ बताए तो कैसे बताए, जब किसी बीबी ने नहीं बताया। मलू ने हुक्म दिया, 40 घोड़ सवार नेजे उठाए, नेजे जमीन पे मारे। ये मंजर रुबाब देख रहे थे, ये मंजर सकीना देख रहे थे। यहाँ नेज़े ज़मीन में जाते थे, यहाँ